तो हेलो दोस्तों, कितना बोरिंग इंट्रो देता हूँ यार मैं। चलो इस बार कुछ नया करते हैं। तुम हुस्न परी तुम जाने जहाँ, तुम सबसे हसी तुम सबसे जवान। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सॉरी, बस मजाक कर रहा था, ठीक है। थोड़ा बहुत मजाक चलना चाहिए ना यार। तो हमारा जो पोएम है आंट जूनिफर स्टाइगर, इनकी जो पोएट है उनका नाम है एड्रिन रिच। देखो, हर पोएम का कुछ मोटिव होता है, पोएम लिखने के पीछे कुछ पोएट का मोटिव होता है। और खासकर सीबीएसई में जो पोएम दिया रहता है ना, वो इसलिए दिया रहता है ताकि स्टूडेंट कुछ उसे पढ़कर समझे, कुछ सीखे। तो हमारी जो पोएट है ना इस चैप्टर में आंट जूनिफर स्टाइगर में, वो इस पोएम से हमें एड्रेस करवाना चाहती है द कॉन्स्टेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ अ वुमन एक्सपीरियंसेस। मतलब कि जो एक वुमेन्स के ऊपर जो वो शादी कर लेती है, उसके बाद जो बर्डन आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, रिस्ट्रिक्शंस आ जाता है, वो सब इस पोएम में पोएट एक्सप्लेन करने की कोशिश किए हैं। तो हमारा पोएम शुरू हो रहा है और पोएट बता रही है कि आंट जूनिफर स्टाइगर जो है ना, वो एक स्क्रीन पे बने हुए हैं, मतलब कह सकते हो एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। अब देखो, एम्ब्रॉयडरी बहुत तरह से किया जा सकता है, हो सकता है उसे सिलकर बनाया गया होगा। और वो सब जो टाइगर बने हुए है ना स्क्रीन पे, वो टाइगर जंप कर रहे हैं, वो भी एकदम कॉन्फिडेंट होके। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। फिर अगले लाइन में यहाँ पे जो पोएट है वो उन टाइगर को ब्राइट टोपास से कंपेयर कर रही है। टोपास क्या होता है? एक तरह का पत्थर होता है जो आजकल के लोग एस्ट्रोलॉजी में जो होते हैं वो लोग पहनते भी है। तुमने कई बार देखा होगा लोग पहनते हैं हाथ में, अंगूठी में या फिर गले में। तो जो पोएट है ना वो उन टाइगर को टोपास से इसलिए कंपेयर कर रही है क्योंकि टाइगर का जो बॉडी का स्किन कलर है वो भी उन टोपास से एकदम मिलता जुलता है। और फिर पोएट बोलती है कि वो सब जो टाइगर है ना, वो सभी ग्रीन जंगल में रहते हैं, मतलब जंगल में रहते हैं, उनका घर नेटिव जो है वो जंगल है। और फिर वो कहती है टाइगर को डर नहीं लगता, वो जो आदमी है, जो लोग हैं, जो पेड़ के नीचे खड़े हैं। और हो सकता है वो जो इंसान के बारे में बात कर रही है पोएट, वो कोई हंटर होगा। तो यहाँ पे पोएट बोल रही है कि इन टाइगर्स को उन हंटर से डर भी नहीं लगता है जो पेड़ के नीचे खड़े हैं। और ये टाइगर्स काफी फियरलेस है और किसी भी मेन से नहीं डरते हैं। फिर हमारी पोएट बोलती है दे पेस इन स्लीक सिविलरिक सर्टेनिटी। तो यहाँ पे दे पेस इन स्लीक का मतलब है कि वो मूव करते एकदम स्मूथली, एकदम आराम से। और सिविलरिक सर्टेनिटी का मतलब होता है ना कि वो किसी से डरते नहीं है, वो बिल्कुल एक ब्रेव इंसान की तरह, एक ब्रेव पर्सन या फिर एक ब्रेव जानवर की तरह ही मान लो, एकदम हीरोइक वे से बिना किसी डर से मूव करते हैं। मतलब यहाँ पे सिविलरिक का मतलब हो गया जो ब्रेव लोग होते हैं, और सर्टेनिटी का मतलब होता है कॉन्फिडेंस। ब्रेव भी है, कॉन्फिडेंट भी है, और वो एकदम स्मूथली मूव कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पूरा यही समझाया जा रहा है ना कि वो सब जो टाइगर होते हैं वो जब दौड़ते हैं या फिर चलते हैं ना, तो वो एकदम स्मूथली, एकदम एलिगेंटली मूव करते हैं, और बिना किसी डर का, एकदम हीरोइक वे में, एकदम कॉन्फिडेंट वे में। यहाँ तक जो पोएट होती है ना, वो बस जो आंट जूनिफर स्टाइगर बनाई है उनके बारे में, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही है, उनके बारे में बता रही है कि वो कैसे। फिर हमें पोएट बता रही है ना कि जब आंट जूनिफर उन टाइगर को बना रही है वुल से, तो देखो यहाँ हमें ये पता चल जा रहा है ना कि यहाँ पे वो एम्ब्रॉयडरी वुल से कर रही है, ठीक है। वुल से वो पूरा ये सब बना रही है, टाइगर को दौड़ते हुए दिखा रही है एंड ये सब बना रही है। तो यहाँ पे बता रही है जब आंट जूनिफर उन टाइगर को बना रही है वुल से, तब उनका जो हाथ है वो काफी ज्यादा कांप रहा है, वो काफी फ्लटर कर रही है, मतलब वही कांपना। फिर हमारी पोएट बता रही है कि जब वो उन आइवरी नीडल से, मतलब आइवरी का जो नीडल होता है उससे जब वो ये एम्ब्रॉयडरी वर्क कर रही है, तो उनके लिए वो इतना ज्यादा कांप रही है ना कि उसे खींचना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है नीडल को। और यहाँ पे आइवरी नीडल का मतलब होता है जो एलिफेंट का तीत से बनता है ना, उसको आइवरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो नीडल है वो एलिफेंट का तीत से बना हुआ है। मतलब पोएट ये कहना चाहती है कि ये जो इजी काम होता है ना नीडल को खींचना, वो भी उनसे नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कांप रही है। अब यहाँ पे पोएट रीजन देती है कि वो लेडी क्यों कांप रही है, क्यों अपना नीडल को नहीं खींच पा रही है। तो यहाँ पे पोएट ये रीजन दे रही है क्योंकि उन्होंने हाथ में जो रिंग पहना है ना, अंकल वेडिंग बैंड, मतलब जो शादी को सिम्बोलाइज करता है, उनका मैरिज को सिम्बोलाइज करता है, उस रिंग का जो वेट है ना, उस शादी का जो वेट है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो वेट है ना, वो बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से उनका हाथ कांप रहा है और उस नीडल को भी वो नहीं खींच पा रही है। मतलब कि एक्चुअली में उनका जो रिंग है ना, उसका वेट बहुत ज्यादा नहीं है, ये बस सिंबलाइज कर रहा है बर्डेंस को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उन खराब एक्सपीरियंस को जो उन्होंने अपने मैरिज लाइफ में फेस कर रहा है, मतलब कि आंट जूनिफर ने अपने शादी के बाद। इस पैराग्राफ में जो पोएट है ना, वो ये बताना चाहती है कि आंट जूनिफर जो है ना, वो कितना ज्यादा प्रॉब्लम फेस करती है अपने मैरिज लाइफ के बाद, उनका जो लाइफ है वो कितना ज्यादा बर्बाद हो चुका है। और ऑब्वियस सी बात है, इसका रीजन होगा उनके हस्बैंड के वजह से। उनका हस्बैंड उन्हें अच्छे से नहीं करते होंगे और बहुत ही बुरा बिहेव करते होंगे, जिसके कारण से अब जो आंट जूनिफर है ना, वो एकदम क्रस्ट फील करती है, डोमिनेंस फील करती है अपने हस्बैंड का ओवर हर। फिर हमें पोएट बता रही है कि जब आंट जूनिफर की डेथ भी हो जाएगी ना, तब भी उनके हाथों में वो रिंग होगा जो कि सिग्निफाई करेगा, जो कि बताएगा उन्होंने जितना भी खराब एक्सपीरियंस को अपने लाइफ में झेला है,
बर्दाश्त किया है वो सबको, मतलब वो जब तक जिंदा रहेगी ना तब तक वो जितना भी एक्सपीरियंस करेगी वो सब तो करेगी ही करेगी, और मरने के बाद भी वो सारे एक्सपीरियंस को अपने रिंग्ड हैंड को साथ लेके जाएगी। मतलब कि मरने के बाद भी उन्हें सुकून नहीं मिलेगा, और इसका रीजन होगा वो अंकल जिनके साथ उन्होंने शादी करा है। इवन तो वो मर जाए, वो इन सब बोझ के बाद भी उन सबको झेल के वो मर जाए, तब भी उन्होंने जो एम्ब्रॉयडरी करके उन टाइगर्स को बनाया है ना, वो तब भी एकदम प्राउडली जंप करते रहेंगे बिना किसी डर के, अनअफ्रेड, और वो हमेशा उस एम्ब्रॉयडरी पैनल में रहेंगे। एक पोएम के थ्रू जो पोएट है ना वो एक बताना चाहती है कि कुछ वुमेन कितना ज्यादा खराब एक्सपीरियंसेस फेस करती है, झेलती है अपने मैरिटल लाइफ में, और उनका पूरा जिंदगी ऐसे ही कट जाता है, कोई उन्हें हेल्प नहीं करता या फिर कोई भी उन्हें उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकालता है। और हमें अब ये भी पता चलता है ना कि वो जो टाइगर को बना रही है, जो एकदम फियरलेस है, हैप्पी है, इधर उधर कूद रहे हैं, उनमें जोश है, ब्रेव है, वो उनके अंदर लाई करता है, आंट जूनिफर्स के अंदर लाई करता है, जो कि कभी बाहर नहीं आ पाया, और आंट जूनिफर्स उन टाइगर को अपना आइडल भी मानती है। और इस पोएम के माध्यम से जो पोएट है ना वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के बारे में भी बताना चाहती है, जिसके कारण से कुछ जो वोमेन होती है ना वो अपने लाइफ में कितना कुछ फेस करती है। और पोएट ये भी समझाना चाहती है ना कि वोमेन को हमेशा डर कर या किसी के अंदर या अपने सपनों को दबाने की जरूरत नहीं है, वो ब्रेव बन सकते हैं, बोल्ड बन सकते हैं, फियरलेस बन सकते हैं, बिल्कुल एक टाइगर की तरह। और इस तरह से हमारा जो पोएम है ना प्यारा सा छुटकु सा खत्म होता है। और अगर तुम्हें किसी भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए मेरे द्वारा, तो तुम्हें जाना है यूट्यूब पे, सर्च करना है चैप्टर का नाम, बगल में एडुकेशन भैया लगा देना है, और मेरा वीडियो आ जाएगा टॉप पे, देख लेना, ठीक है। चलो मिलता तुम लोग अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। और हाँ, इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना यार, भूल क्यों जाता हूँ यार, प्लीज प्लीज कर देना 3000 फॉलोअर्स करवा दो चलो बाय बाय।